ये देखो, ये मैंने कंट्रोल छोड़ रखे हैं अपने हाथों से, लेकिन ये होवर अपने आप ही होगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। मेरा प्लान बन रहा था कि मैं भी वीडियो शूट करूं, अच्छे वीडियो, ड्रोन वीडियो शूट करूं, ऊपर से एरियल व्यू जैसा कि आप और यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक ड्रोन मंगाते हैं। तो जैसे बाइक चलाने के लिए साइकिल चलाना पड़ता है, कार चलाने के लिए पहले समझना पड़ता है कि एक्सीलेटर ब्रेक कहाँ है, तो मेरे साथ में भी यही प्रॉब्लम थी। मैं बहुत महंगा वाला ड्रोन लेना नहीं चाहता था, कभी मैं गिरा दूँ टूट जाए तो फ़ायदा नहीं है ना, कुछ नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला ड्रोन ले लिया। ये जो ड्रोन है ये है बैटल शार्क हाई परफॉर्मेंस 4 चैनल कैमरा क्वाड कॉप्टर और 14+ ages YSO कंपनी है। गूगल प्ले और एंड्रॉयड स्टोर पे इसकी ऐप्स होती हैं। फीचर्स जो हैं इसके वो है 2.4 GHz का इसके अंदर नेटवर्क है, यानी कि वाईफाई है, जायरो है, 3 स्पीड्स हैं इसके अंदर। आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग स्पीड्स को सेट कर सकते हो। जब आप नए उड़ाने वाले हो या आप लर्नर हो तब आप कम स्पीड पर रखो, जब आप ज़्यादा अच्छे से सीख जाओगे तब आप उसकी स्पीड हाई कर सकते हो। इसके अंदर 3D flips एंड रोल्स हैं। USB चार्जर साथ में मिलता है। बिल्ट इन कैमरा है, 2.0 megapixel का एक कैमरा है। ठीक ठाक सी वीडियो क्वालिटी दे देता है, बट मैंने उसकी वीडियो क्वालिटी का कुछ करना नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए है। ऑटो होवर है इसके अंदर, होवर करता रहेगा अपने आप, मतलब एक सेंसर होता है जो ज़मीन से ड्रोन तक की हाइट को नापता है। इसके अंदर हेडलेस मोड है, ये बहुत अच्छी बात है, और ऐप कंट्रोल है। तो चलो अब देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। दिखने में ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, ये रात को ऐसे ही लगता है। कल रात को मैंने प्रैक्टिस करने के लिए इसको फ्लाई किया तो रात को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले तो हमें अपना प्रोडक्ट ही मिल जाता है, ये है वो ड्रोन। जैसे आपने देखा होगा कि DJI मैवरिक वगैरह, वैसे इसकी ये आर्म्स खुल जाती हैं। छोटा होता है बट फिर बड़ा हो जाता है। ये इसके ब्लेड्स हैं, यहाँ मोटर है, यहाँ पे बैटरी लगती है, बैटरी अभी चार्जिंग पे कर रखी थी। ये इसका कैमरा है छोटा सा, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है, टॉय समझ सकते हो, टॉय है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छी चीज़ है। कंट्रोलर कुछ इस तरीके का है, जैसे हम जॉयस्टिक यूज़ करते हैं ना, जो हम गेम्स वगैरह खेलते हैं जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, वैसे ही सही कुछ कंट्रोलर है। और यहाँ पे इसके मोबाइल लग जाता है, जिसका कि आपको व्यू दिखेगा अपने फ़ोन के अंदर कि ये ड्रोन कहाँ कहाँ जा रहा है और कैसे कैसे जा रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने इसकी जो ऐप है इस वाले फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करी है, मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, तो हमें ऐप से कोई मतलब नहीं है, हम फ्लाई करेंगे इसको ये वाले कंट्रोलर से। बॉक्स के अंदर दोस्तों सबसे पहले मिलते हैं ये 4 prop guards। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ से ये निकाल के इसका यहाँ पर लगा सकते हो इसको, ये प्रॉप गार्ड्स होते हैं। इससे क्या होगा कि जो लर्नर है, जो अभी चलाना सीख रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्रैश कर देते हैं कहीं भी, तो उनकी ना ये जो ब्लेड्स होते हैं ना, ये जो प्रोपेलर्स होते हैं, ये टूटते नहीं है। और अगर प्रोपेलर्स टूट जाए तो उसके लिए भी ये लोग 4 propellers एक्स्ट्रा देते हैं इस ड्रोन से। अगर टूट जाए तो आप लगा लो, जॉन सा टूट जाए तो आप लगा लो, तो मतलब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये ड्रोन के साथ में जो बैटरी मिलती है वो है ये। मैं इस बैटरी को इसके अंदर डालता हूँ, ऐसे जैसे ही बैटरी अंदर डालता हूँ यहाँ पे एक स्विच है, इसको मैं ऑन करता हूँ तो लाइटें जल्दी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये ग्रीन वाली होती हैं फ्रंट, ये होती हैं रेयर। और इसका देखो ये मुंह, जो इसका ये माउथ बन रहा है ना, शार्क टीथ जैसे होते हैं, तो रात को अमेजिंग लगता है। इसको ऑन करने के बाद करते हैं रिमोट ऑन। रिमोट में से एक बीप बजती है और फिर इसको हमें ऐसे करके पेयर करना पड़ता है। जैसे ही ये लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाती हैं ये पेयर हो जाता है। अब इसको हम उड़ाते हैं। तो दोस्तों चाहो तो इसको ज़मीन पे रख के भी उड़ा सकते हो, ठीक है, बट मैं जहाँ आया हूँ ना वहाँ पे कुछ ऐसा प्लेन नहीं है, मतलब सीधा नहीं है। तो क्या होता है, जो इसका जायरोस्कोपिक जो सिस्टम होता है ना, इसके अंदर जो जायरोस्कोप होता है वो इसका लेवल देखता है। अगर ये टेढ़ा होगा तो वो टेढ़े से स्टार्ट करेगा, ऐसे होगा ऐसे से स्टार्ट करेगा। मैं अपने हाथ में इसको बिल्कुल सीधा रखता हूँ, उसको टेक ऑफ कराता हूँ। देखो ध्यान से देखना, हाथ से ही हम इसको टेक ऑफ भी करा सकते हैं और हाथ में रखे रखे इसको हम लैंड भी करवा सकते हैं। तो मतलब इतना कंट्रोल जब आपके हाथ में आ जाता है ना उड़ाने का,
तब इसको उड़ाने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि अगर आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, आप 80,000 रुपये वाले ले लो, आप 1,00,000 रुपये वाले ले लो, मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है, पहले उड़ाना आना चाहिए। अब इसको हम इंजॉय करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं इससे और कैसे कैसे कर सकते हैं। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही उड़ा रहा हूँ, अब जो भी होगा आपके सामने होगा। अब इस ड्रोन की देखते हैं स्पीड की, ये कितनी तेज उड़ सकता है और कितनी दूर तक ये जा सकता है। ये देखो, ये इसकी स्पीड है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम कोई ड्रोन फ्लाई करते हैं या फिर कोई जैसे आरसी प्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है विंड स्पीड का और विंड डायरेक्शन का, कि विंड कहाँ से आ रही है। जो जहाँ से, जैसे समझ लो कि यहाँ से हवा आ रही है, तो अगर मेरा ड्रोन इस तरफ है, मेरे को उसको ज़्यादा ऐसे करना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए। अगर मेरा ड्रोन इस तरफ है तो ये इस तरफ भागेगा, फिर मेरे को स्टेबिलिटी के लिए इसको इस तरफ करना पड़ेगा। यही होती है प्रैक्टिस, कि ड्रोन जब हम उड़ाते हैं उसके साथ में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या प्रैक्टिस करते हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सिर्फ उड़ाना, लैंड करना ही सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होती। लाइसेंस वाली बात बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि ड्रोन के लिए कौन सा लाइसेंस होता है, कौन सी परमिशंस होती हैं। तो दोस्तों इंडिया में लाइसेंस को लेके बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मिथ्स हैं कि क्या होता है, मिलता नहीं मिलता, पकड़े जाओगे आप, बंद कर लिए जाओगे, आपका ड्रोन तोड़ लिया जाएगा। लाइसेंस के बारे में हम किसी और वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो जो टॉपिक है ना वो बहुत लंबा है, कि कितना वेट होना चाहिए तब आपको एक जो ड्रोन है उस पर आपको लाइसेंस लेना है, कितनी उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कितनी हाइट तक वो जाएगा, ठीक है, कितनी स्पीड में वो चल सकता है, ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं, अगर आप छोटा मोटा ड्रोन अगर आप उड़ाना चाहते हो या फिर आप उड़ाते हो, तो दोस्तों अगर आप ऐसी चीज़ों का भी शौकीन हैं तो क्या पता इन फ्यूचर तुम्हारा भाई इसको अपने kingindian.in स्टोर पर रख ले। मैं जो भी आइटम रखूँगा वो ऐसी होगी, रीजनेबल होगी। हाँ, आप अगर अपने गली वाले स्टोर से ख़रीद लें और वो आपको काफ़ी सस्ता देते तो बात अलग है। अब इसको करते हैं फ्लाई। फ्लाई करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, kingindian.in का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है हमारे पास में, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को ये सब कुछ करने के अंदर, और मतलब मस्तीबाजी हो जाती है, काम के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसको हम इस चीज़ के अंदर यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अब इसको करते हैं दोबारा से फ्लाई और फिर मज़े लेते हैं इसके थोड़े से, ठीक है। तो आप इसकी स्टेबिलिटी देख सकते हो कि ड्रोन स्टेबल है, लेकिन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना वहाँ पे हवा ज़्यादा चल रही है। ये देखो, मैं इसको बिल्कुल अपने पास लेके आऊँगा। तो मतलब स्टेबल है, ज़्यादा परेशानी करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हवा ज़्यादा चल रही है तो आपको हवा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ये देखो, ये मैंने कंट्रोल छोड़ रखे हैं अपने हाथों से, लेकिन ये होवर अपने आप ही होगा। इसके अंदर ये जो होवर का सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है। आज हवा ज़्यादा है लेकिन हमें हवा के अंदर भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे को ऐसी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है और आप लोगों को भी आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी चीज़ें भी किंग इंडियन स्टोर पर रखें, कमेंट में ज़रूर बताना कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स kingindian.in पर रखें और क्या आप पसंद करोगे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज एक और एपिसोड ख़त्म। बस मैं थोड़ी बहुत जो फ़नी हरकतें करता रहता हूँ वो रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाता रहता हूँ। हमेशा उड़ते रहो, हमेशा तेज चलो, ठीक है। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।